मंत्रिमंडल में मेरे साथी कमलेश्वर पटेल जी, पीसी शर्मा जी, एसीजी के चेयरमैन रवि झुंझुनवाला जी, चंचलपति दासा जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी केसी जी और रजोरा जी, सभी यहाँ उपस्थित देवी औसतों, बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर। ये दूसरा दूसरी किचन है जो शुरुआत भोपाल में हो रही है। जैसे आपको बताया गया, पहली तो छिंदवाड़ा में उसका शिलान्यास हो गया। वो तो आवश्यक था कि छिंदवाड़ा से ही बहुत सारी दिशाएं देखती हैं। बहुत खुशी है क्योंकि ये जो इसकी सोच है, ये केवल किचन की बात नहीं है, इसके पीछे जो अक्षय पात्रा की सोच है, इसके पीछे जो एसीजी मिस्टर रवि झुंझुनवाला की सोच है, इस पर हमें ध्यान देना है कि ये केवल बच्चों को खाना पहुंचाएं ये सोच नहीं है। कैसा रूप और किस निष्ठा से अक्षय पात्रा ने ये लिया है, आज देश भर में इनके इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, एक प्रसाद बांटने के रूप में, एक प्रसाद बांटने के रूप में जो इनका इनकी भावनाएं हैं, यही भावनाएं से ये सफल हो सकता है। 50,000 या बच्चों के लिए खाना बनेगा, ये तो मैं मानता हूं एक शुरुआत है। इन्होंने तो 1,00,000 की भी बनाई है, और 50,000 का खाना बनाना, गरम खाना देना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसमें कितना मैनेजमेंट चाहिए, ये कोई मैनेजमेंट किताब में नहीं लिखा। ये मैनेजमेंट तो भावनाओं से आता है, निष्ठा से बनता है, ये हमें याद रखना है। और मुझे खुशी है कि ये भोपाल में शुरू हुआ है, बहुत बड़ी आवश्यकता थी। रवि झुंझुनवाला जी आपको बता रहे थे, बड़े विस्तार से उन्होंने आपको बताया कि उनके सीएसआर में क्या कार्य है, और ये जो अक्षय पात्रा का कार्यक्रम है, इसमें उनके 15 करोड़ रुपए लगेंगे, 15 करोड़ रुपए लगेंगे। ये किसी चीज में भी खर्च कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीएसआर के नाम पर बहुत कुछ करती है, पर अंत में उसका आउटकम क्या होता है? यहां तो आउटकम होगा बच्चों की मुस्कुराहट देख के, बच्चों का स्वास्थ्य देख के, ये सबसे बड़ा आउटकम होगा। और जब हम बच्चों की बात करें, हमें याद रखना है कि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो आपको मिलिट्री की जरूरत नहीं, हथियार की जरूरत नहीं, मिसाइल और रॉकेट की जरूरत नहीं, आप उनका एजुकेशन सिस्टम, आप उनका शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसे चौपट करिए। मैंने अपने ऑफिस में ये एक पोस्टर लगाया हुआ है, इसी का एक पोस्टर लगाया हुआ है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे बच्चों की पढ़ाई पर हुए। ये पोस्टर मैंने अपने ऑफिस में लगाया हुआ है, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, आगे आने वाली पीढ़ी जो निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का और देश का, उनका स्वास्थ्य कैसा हो, उनका ज्ञान कैसा हो। और ये जुड़ा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो हेल्दी होए, उनकी मेंटल फैकल्टीज सही रहे, और मेंटल फैकल्टीज और उनका दिमाग तो सही रहेगा जब उनको सही खाना मिलेगा। ये केवल न्यूट्रिशन की बात नहीं है, पर बच्चों को भी लगे अगर हम गर्म खाना देते हैं, ये न्यूट्रिशन हम पैक्ड खाने में भी दे सकते हैं, ठंडा पैक्ड खाने में भी मिल सकता है। पर आप देखिए इनका लक्ष्य कि हम 65 डिग्री में ये खाना देंगे। मुझे तो चिंता है कि ये बच्चे को तो अच्छा लगेगा ही, और भी ना जुड़ जाए इससे कि अच्छा खाना मिल रहा है, हम भी अब खा लें, और बच्चे हम इस खाने से वंचित रह जाए। आपको इसकी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि क्यों, मैं जानता हूं इनका क्या खाना है, मैंने खाया हुआ है, और
बच्चों को तो पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। तो मैं रवि झुनझुनवाला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो वह मध्य प्रदेश में समाज सेवा का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी ऐसा उद्योग है मध्य प्रदेश में, 40 साल से तो चल रहे हैं, 40 साल से इन्होंने मध्य प्रदेश पर विश्वास रखा है। इनका काम तो एक्सपोर्ट का है, हमारे पास तो कोई समुद्र नहीं है, कोई पोर्ट नहीं है, पर फिर भी इन्होंने मध्य प्रदेश पर विश्वास रखा है और इनका इन्वेस्टमेंट आता गया। अब ये समाज सेवा के कार्य में जो जुड़े हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ऐसी कंपनियां जो CSR का उपयोग से मैं देखता हूँ कोई लाभ नहीं मिलता। CSR से मैं बहुत परिचित हूँ कि जितना रस निकलना चाहिए CSR से, उतना रस नहीं निकलता। इससे हमें पूरा जूस नहीं मिलता, पर इससे हमें जूस तो मिलेगा ही, पर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि झुनझुनवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी अक्षय पात्रा की पूरी टीम को, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक शुरुआत है, ये मध्य प्रदेश में एक शुरुआत है। हमारा प्रयास होगा ये और बढ़े और ये इनको भी एक फुलफिलमेंट लगे ये काम करके। अचीवमेंट की बात नहीं है, फुलफिलमेंट की बात है, और आप भी अपना काम यहाँ मध्य प्रदेश में बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।